प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा क्या किया। अब मोदी का ये दौरा भारत समेत दुनिया भर के देशों में टॉप ट्रेंड कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए देश को लक्षद्वीप का जो नजारा दिखाया उसका नतीजा क्या निकला। दो दिन से गूगल सर्च इंजन पर लक्षद्वीप लगातार सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। हर रोज लाखों लोग लक्षद्वीप को अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन बना रहे हैं। ये 6 और 7 जनवरी का आंकड़ा है जिसमें नीला रंग लक्षद्वीप का जबकि लाल मालदीव को प्रदर्शित कर रहा है। लक्षद्वीप ने मालदीव को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में हर 100 में से 67 लोगों ने लक्षद्वीप जबकि 33 लोगों ने मालदीव सर्च किया। गुजरात में 100 में 66 लोग लक्षद्वीप तो 34 लोगों ने मालदीव सर्च किया जबकि छत्तीसगढ़ में हर 100 में से 67 लोगों ने लक्षद्वीप जबकि 33 लोगों ने मालदीव सर्च किया। इसी तरह हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी लक्षद्वीप कीवर्ड गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सिर्फ लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की, मालदीव का नाम तक नहीं लिया, लेकिन तमाम टूरिस्ट ने मालदीव का अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का क्या नाम लिया, वहां मालदीव हिल गया। जी हां, लक्षद्वीप के समुन्द्र किनारे रेत पर वॉक और गहराइयों में स्नॉर्लिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी की तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर डाली है तब से सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप की खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ हो रही है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा को मालदीव के पर्यटन उद्योग पर चोट की तरह देखा गया तो मालदीव भड़क गया। मालदीव के मंत्रियों को मोदी की यात्रा रास नहीं आई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के पार्टी के मंत्री मोहसिन माजिद ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाने के साथ सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए मैं भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन भारत को हमारे बीच पर्यटन से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से बौखलाए मालदीव के मंत्री ने इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। मोदी पर्यटन क्षेत्रों के एक्सप्लोरर के रोल में नजर आए तो मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने भी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक पोस्ट लिखा और कहा कि बेशक ये अच्छा कदम है लेकिन हमसे कॉम्पिटिशन करना एक भ्रम है। भारत हमारी जैसी सर्विस कैसे देगा, वहाँ के बीच साफ कैसे रह सकते हैं, कमरों में हमेशा रहने वाली बदबू भी बड़ी चुनौती है। हालांकि ये वही रमीज है जिन्होंने हाल ही में भारत में बसने और भारतीय नागरिकता हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके अलावा मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम ने तो बौखलाहट में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया लेकिन बाद में आलोचना होने पर अपनी पोस्ट सोशल मीडिया से हटा ली। इतने ही नहीं, मालदीव सरकार को बयान जारी करके कहना पड़ा कि ये मरियम का निजी विचार है। बावजूद इसके अब ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि मालदीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मालदीव की वेकेशन प्लान कर चुके लोगों ने अपना हॉलीडे ट्रिप कैंसिल कर दिया और ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, लोग अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। उदाहरण देखिए, 1 फरवरी से 3 हफ्तों की बुकिंग थी 5 लाख रुपए में जो अब कैंसिल करवाई जा चुकी है। अब ये ट्वीट देखिए, जन्मदिन मनाने के लिए 2 फरवरी को मालदीव जाना था लेकिन इस विवाद के बाद उसे रद्द कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे ही हजारों लोग अपना टिकट और होटल कैंसिल कराने की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मालदीव के बॉयकॉट का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। जानकारी के मुताबिक करीब 8,700 होटल बुकिंग कैंसिल की गई है और करीब 3,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल कराए हैं। हालांकि जब तक आप ये खबर देखेंगे तब तक ये आंकड़ा और बढ़ चुका होगा। क्या आम और क्या खास, क्या नेता, क्या खिलाड़ी, क्या एक्टर, सभी लोग मालदीव से बेहतर लक्षद्वीप को बता रहे हैं। सलमान खान का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ की है। साथ ही खिलाड़ी कुमार ने ट्वीट करके लक्षद्वीप को बेहतर बताते हुए बॉयकॉट मालदीव कहा है। यानी मालदीव को समझ में आ गया है कि उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है क्योंकि मालदीव भारतीयों की छुट्टी बिताने के लिए पसंदीदा स्थान रहा है। भारत के फिल्मी सितारों से लेकर कारोबारी और नौकरी पेशा के लोग भी मालदीव जाते रहे हैं। 2023 में सबसे ज्यादा भारतीय ही मालदीव गए थे। 2023 में 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। 2021 में 44,039 भारतीय मालदीव घूमने गए। 2 साल में मालदीव घूमने वालों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल आया था।
भारत और मालदीव के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले साल नवंबर में सत्ता परिवर्तन के साथ वहां चीन का गुणगान करने वाली सरकार आ गई। नवंबर 2023 को सत्ता परिवर्तन के साथ राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीनी भाषण बोलते हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगलते आए थे और मालदीव में मौजूद 75 जवानों वाली भारतीय सैन्य टुकड़ी को हटाने का दावा भी किया था। असल में नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच खटास आई है। मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। इंडिया आउट का नारा लगाकर वो सत्ता में आए, मगर अब मालदीव को क्लीन बोल्ड कराने में जुट गए हैं। पर्यटन बेस्ड इकोनॉमी पर आधारित मालदीव को डर है कि कहीं ये बॉयकॉट उसे लेना डूबे। यही कारण है कि मालदीव सरकार अब इस पूरे मामले पर बचाव मुद्रा में है। हिंदुस्तान की सरकार ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा ही है कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तीनों मंत्रियों मरियम सियोना, मालसा शरीफ और जेहान को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल मोदी जो कहते हैं उसे ध्यान से पूरा हिंदुस्तान सुनता है। मोदी जो बोलते हैं उस पर पूरा हिंदुस्तान अमल करता है। मोदी इस वक्त सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। ना कोई नेता दूर दूर तक उनके आगे और ना ही पीछे। मोदी जो इशारों में कहते हैं हर हिंदुस्तानी उसे ठीक से समझता है। मसलन पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे ने लोकल फॉर वोकल का संदेश दिया तो देशवासियों ने इसे हाथों हाथ लिया। इसके पहले कोरोना काल में ताली थाली बजाने को भी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, मोदी ने अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर में दिवाली मनाने की अपील की है। शहर शहर इसका भी जोरदार तरीके से तैयारी की जा रही है। मोदी ने लोगों से 22 जनवरी के बाद अयोध्या आने की अपील की है तो लोग उसे भी पूरी शिद्दत से मान रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण, बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि घी के दिए जला पाए। मोदी जो कुछ करते हैं कहते हैं उसका कोई खास मकसद जरूर होता है। मोदी ने 24 में सुपर पावर इंडिया का पहला ट्रेलर मालदीव को दिखाया। अपनी ताकत की दूसरी पिक्चर वो 24 के लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे, जिस पर वो पूरी रणनीति से काम कर रहे हैं। 2024 को चुनावों का साल कहा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में चुनाव होंगे और दुनिया की करीब आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग चुनाव में वोट डालेंगे। भारत के अलावा बांग्लादेश, रूस, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ताइवान, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में तो शनिवार को ही वोटिंग हुई है। कहां कौन आएगा किसी को पता नहीं, मगर भारत में लोग अभी से कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। विपक्ष के कई नेता भी कह चुके हैं कि आएंगे तो मोदी ही, बस इंतजार इसी बात का है कि कितनी सीटों के साथ। केंद्र की बीजेपी सरकार का मंत्र राज्य के विकास से देश के विकास का है। आज देश में चौड़ी सड़कें बन रही हैं, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के कारण यहां काम होने नहीं देती। साल 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उस वक्त 10 मार्च को चुनाव आचार संहिता लगा दी गई थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त बचा है। जाहिर है चुनाव आयोग में मंथन शुरू हो चुका है, मंथन विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन सबके अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, तो वहीं महाराष्ट्र में संजय राउत 23 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। यूपी में भी अखिलेश और कांग्रेस के बीच सीट
शेयरिंग और मायावती को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उससे क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक खड़ा होगा? बहुत जल्दी, कितना दिन तक? आपने कहा था कि दिसंबर के अंत। इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे नाम के लिए सभी लोग साथ हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 400 प्लस का टारगेट ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उम्मीद साउथ से है, लेकिन मोदी अब साउथ पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में मोदी पहले तमिलनाडु गए, उसके बाद केरल के दौरे पर गए और फिर लक्षद्वीप। बीजेपी ने विपक्ष का दक्षिणी दुर्ग भेदने के लिए अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया, तो इसके अपने रणनीतिक मायने भी हैं। मिशन साउथ में बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को उम्मीदें नजर आ रही हैं, तो इसके पीछे 2021 के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। तेलंगाना में भी बीजेपी का वोट पड़ा है। मोदी इस वक्त लोकप्रियता के सातवें आसमान पर हैं, जिसकी झलक मालदीव से लक्षद्वीप तक, अयोध्या से दक्षिणी राज्यों तक देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।